नमस्कार, मैं उप्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बगैर कोई नजरिया रखे काम करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस सजा के ऐलान के साथ ही सिद्धू के समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सत्ता में आने के 7 साल बाद भाजपा सरकार ने यह कार्रवाई की है। भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में बनाए जा रहे स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। साल 2008 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा को ये लाइसेंस दिया गया था। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के डायरेक्टर की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। पहले अचानक अध्यक्ष पद गवाया, फिर सारी जिम्मेदारियों से भी हटाया गया और अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही सुनील जाखड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को पार्टी को गुड बाय कह चुके जाखड़ लंबे समय से अपने ही दल में कथित परेशानियों का सामना कर रहे थे। अगर पंजाब कांग्रेस की बीते 1 साल का दौर देखें तो संकेत मिलते हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुश्किलों का दौर नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रियता से ही हो गया था। तब सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच तनाव जारी था। भारत में दुनिया में अनाज की कीमतों में अनुचित वृद्धि के बीच उसकी जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही दुनिया के अमीर देशों को आईना दिखाते हुए कहा है कि अनाज का वितरण कोविड टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा है कि अमीर देश ने बड़ी संख्या में टीके स्टोर कर लिए थे जबकि गरीब देशों की इन तक पहुंच ही नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए भारत ने कहा है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि वो जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका में हम टोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चीन बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हरकत करने की तैयारी में है। म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन अपनी एक्सेस बना रहा है जिससे वो हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के युंगन पोर्ट से चीन के यूनान प्रांत के लिए कार्गो रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। दरअसल चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को एक ताजा हीट वेव यानी लू की चेतावनी दी है। गुरुवार से इसके उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसी दौरान मध्य भारत में शुरू में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाएगा लेकिन उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। पेंगोंग झील पर चीन की गतिविधियां थमी नहीं है। खबर है कि अब पड़ोसी ने झील पर दूसरे पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि हाल ही में चीन ने भारत के दावे वाले इस क्षेत्र में एक पुल का निर्माण किया था। कहा जा रहा है कि दूसरा पुल भारी बख्तरबंद वाहन की आवाजाही के लिए सक्षम होगा। फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से कथित निर्माण को लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह दूसरे व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यह जानकारी दी। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ गठित क्वाड समूह पिछले राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप प्रशासन की एक पहल है। अब तक 3 क्वाड समिट हो चुके हैं जिनमें से 2 वर्चुअल हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सामने आए कथित पॉर्न ब्रैकेट के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अब खबर है कि पार्टी ने अपना फोकस राज्य में अहम माने जाने वाले जाट समुदाय की तरफ मोड़ दिया है। साल 2019 में हुए राज्य के चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाने में तो सफलता हासिल कर ही ली थी लेकिन पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। भाजपा ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार गठित की थी। भारत ने बुधवार को खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि के बीच जमाखोरी और भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए अमीर देशों को आगाह किया है। पश्चिमी देश की तरफ इशारा करते हुए भारत ने कहा कि अनाज को कोविड 19 टीकों की तरह नहीं देखना चाहिए। साथ ही भारत ने जोर देकर कहा है कि गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के उसके फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि वो वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकेगा।
देश में 6G इंटरनेट सेवा इस दशक के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि 6G इंटरनेट की रफ्तार 4G से 1000 गुना अधिक तेज होगी। वहीं 5G इंटरनेट सर्विस की तुलना में इसकी गति 100 गुना अधिक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी टेक टारगेट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2028 से 2030 के बीच 6G हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत हो सकती है। यूक्रेन संकट और कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारतीय मेडिकल छात्रों को देश के कॉलेजों में अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद के लिए संभावित नीति या योजना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS छात्रों को यहां के मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति के संबंध में 2 महीने में एक योजना तैयार करने के लिए नियामक निकाय को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य मंत्रालय का विचार मांगा है। भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं 29 मई से फिर से शुरू होगी। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण एहतियात के तौर पर मार्च 2020 में कोलकाता और बांग्लादेश के शहरों के बीच ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। नई दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के लिए वंशवादी राजनीतिक दल खतरा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर वो स्वस्थ है तो प्रजातंत्र स्वस्थ है, अगर वो अस्वस्थ है तो प्रजातंत्र अस्वस्थ है। इसके धीरे धीरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आघात पहुंचने लगता है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कछार जिला प्रशासन ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और गैर जरूरी निजी प्रतिष्ठानों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। असम में बाढ़ की स्थिति बुधवार को और खराब हो गई। दारंग जिले में बाढ़ के चलते एक और व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद अब असम में मौजूदा प्री मानसून बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में कहा है कि आज कोई आदेश ना दे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि शुक्रवार को 2:00 PM सुनवाई होगी। इससे पहले 17 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं स्पेशल कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज की अदालत में पेश की गई। देश में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह अपडेट जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2364 नए मामले सामने आए हैं। कल यानी मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना के मामलों में 535 मरीजों का इजाफा हुआ है। बुधवार को देश में कोरोना के 1829 मामले ही सामने आए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 10 और टुकड़ियां मुहैया कराएगा। 10 कंपनी पहले भेजी जा चुकी है। भगवंत मान ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पटियाला में जो घटना हुई, इस पर विस्तार से बात हुई है। पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सहयोग किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को स्वदेश में बनी पहली एंटीशिप मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया, जिसमें नौसेना ने DRDO के सहयोग से ITR बालासोर ओडिशा में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली देश में विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की। केंद्रीय उड्डयन एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कोर्स की फीस के जल्द कम होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि अगले चीन से 4 महीने में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के कोर्स की फीस कम हो जाएगी। सिंधिया ने बताया है कि इस कोर्स को संचालित करने वाले संस्थान की संख्या बढ़ने जा रही है, जिससे ट्रेनिंग फीस में अवश्य कमी आएगी। दिल्ली में 3 नगर निगमों का 22 मई को विलय हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को संसद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दे दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इससे अपनी मंजूरी दे दी थी। भारतीय सेना में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड के तहत जालंधर कैंट में ग्रुप सी के 65 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के तहत नाइक, कुक और चौकीदार समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए विज्ञापन से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और नीचे दिए गए निर्धारित पते पर भेजना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022 है। देश के लिए पेट्रोल और डीजल, LPG सिलेंडर, खाने के तेल, नींबू, टमाटर आदि की उच्च कीमत ही सिर्फ एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि रोजगार भी एक बड़ी समस्या है। केंद्र और राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का हर संभव प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि जनता को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े।
गुरुवार सुबह दलाल स्ट्रीट में निवेशकों के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंता में भारतीय शेयर बाजार लहूलुहान का शिकार हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि बीएसई का मार्केट कैपिटल बुधवार को 255.7 लाख करोड़ रुपए, जो कि गुरुवार को 4.73 लाख करोड़ रुपए गिरकर 251 लाख करोड़ रुपए का रह गया। उत्तर कोरिया के खुलासे इतने चौंकाने और चिंता बढ़ाने वाले हैं कि पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। उत्तर कोरिया का दावा है कि 17 मई तक देश में 14 लाख लोग बुखार से पीड़ित हैं, यानी देश का हर पांचवा शख्स बुखार से पीड़ित है। उत्तर कोरिया में ये आंकड़े मात्र 96 घंटे में सामने आए हैं, क्योंकि इसके पहले तक कोरिया अपने देश में कोविड-19 के खतरों को नकारता रहा है। लेकिन ताजा आंकड़े इतने गंभीर है कि अगर इन लोगों को कोविड-19 का असर हुआ तो 2.60 करोड़ आबादी वाले कोरिया के लिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के रेट एक महीने में 2 बार बढ़े हैं। पहले 7 मई को 50 रुपए और अब 3.50 रुपए की बढ़ोतरी से सिलेंडर देश में 1000 रुपए के पार हो गया है। चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई और दिल्ली से पटना तक की आम जनता गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान है। अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजार भारी बिकवाली से जूझ रहे हैं। कल बुधवार को अमेरिकी बाजार में पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। घरेलू मोर्चे पर सेंसेक्स और निफ्टी 2.50% तक टूट गए हैं। शेयर बाजार के बिखरने का असर दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों पर भी पड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में बिहार भी अब अछूता नहीं है। बिहार में भी एनडीए सरकार में काफी ज्यादा किरकिरी देखने को मिल रही है। बीते दिन ही जमा खान और रेणु देवी के बीच इस मामले को लेकर भिड़ंत देखने को मिली, जहां जमा खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, वहीं रेणु देवी ने कहा इससे किसी की शांति भंग नहीं हो रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नन्नू कुमार, सिकंदर कुमार, सोनू सिंह, नीतीश कुमार, शम्स आगाज, प्रिया यादव, संध्या सिंह, मनीष कुमार, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन से हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।